वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राउत साइड डिफेंस में। बाबू भोकाल 2.0 सीरीज चल रही थी जिसका टॉपिक आज होगा वो होगा पैराबोला यानी कि परवलय। बाबू इसके तीन वीडियो या फिर तीन या चार वीडियो आएंगे और तीन चार वीडियो बाबू एक एक कोने सेक्शन का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और कोने सेक्शन से दो सवाल 100 नहीं 201% वहां से पूछेगा ही पूछेगा, सर्किल से, पैराबोला, इलिप्स, इन हाइपरबोला से। चलो जी बाबू दो सवाल स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, दो सवाल को समझाने से पहले मैं दोनों का क्या समझाऊंगा कॉन्सेप्ट। और बाबू इस वीडियो में लगभग 8 सवालों की हम क्या करेंगे बात करेंगे, ठीक है। चलो बाबू अपने पास परवलय के दो समीकरण होते हैं जो अक्ष अक्ष पे खुलते हैं। अक्ष अक्ष की बात करूं मैं, वाई की बात करें बेटा, या तो वो अक्ष अक्ष पे ऐसे खुलेगा, अगर वो ऐसे खुलेगा तो इसका समीकरण होगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax होगा। अगर बेटा अगर वो परवलय अगर ऐसे खुलता है तो बाबू इसका जो समीकरण होगा वो होगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। तो बेटा इसके चार पांच पॉइंट है, देखो ये तो होता है इसका शीर्ष, बाबू शीर्ष का जो मान होता है वो होता है 0.0, ये क्या इसकी नाभि है, क्या बेटा नाभि है, तो बाबू नाभि का जो मान होगा वो होगा 1.0 और नाभि से जो गुजरने वाला लंब है वो उस लंब को कहते हैं नाभि लंब। क्या कहते हैं बेटा? नाभि लंब। सर क्या कहते हैं इसको? नाभि लंब। बाबू नाभि लंब की जो लंबाई होती है ना, ये 2a होती है और ये भी 2a होती है, तो नाभि लंब की जो लंबाई होती है बाबू वो होती है 4a। क्या? लेक्टस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई। अब मैं बोलू नाभि लंब का समीकरण की अगर मैं बात करूं तो बाबू समीकरण होता है एक्स बराबर ए। नाभि लंब का समीकरण क्या होता है? एक्स बराबर ए। बाबू अगर अपना परवलय इधर खुलता है तो इधर से क्या होती है? उसकी होती है नियता। क्या होती है बेटा? नियता। नियता क्या होती है? सर एक्स बराबर माइनस का ए। तो बाबू मैं ये वाला परवलय समझा रहा हूं, ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ी देर में क्या करता हूँ हटा देता हूँ, इस वाले परवलय को मैं हटा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये नाभि जो परवलय है वो अक्ष पॉजिटिव अक्ष पे खुल रहा है, तो पॉजिटिव अक्ष खुल रहा है तो पॉजिटिव 1.0 और बाबू नियता अक्ष बराबर माइनस का है और नाभि लंब की लंबाई 4a होगी और इसका समीकरण ये रहा। तो बाबू यहां से आपको क्या निकालना है? a का मान निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? a का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए बाबू सिंगल पावर वाला जो कोएफिशिएंट उसमें 4 का भाग दे दिया, अगर 4 का भाग देते बेटा a का जो मान आ गया कितना गया? सर 3 आ गया। मैं बात करूं इसके मुख्य यानी शीर्ष की बात करूं बाबू, शीर्ष क्या होता है? 0.0। जितने पॉइंट है हर पॉइंट की बात करूंगा बाबू। मैं बात करूं मुख्य अक्ष, किसकी मुख्य अक्ष बाबू? मुख्य अक्ष का मतलब किस अक्ष पे खुल रहा है? जो सिंगल पावर होती है उसी पे खुलता है। सिंगल पावर का मतलब बेटा किस पे खुल रहा है? ये एक्स अक्ष पे खुल रहा है बेटा। एक्स अक्ष का मतलब क्या हुआ? सर वाई का मान यहाँ पे 0 हुआ। किस पे खुल रहा है? एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे वाई का मान 0, ये समीकरण हो गया। मैं बात करूं नाभि की बाबू, नाभि क्या होती है? 1.0। तो बाबू ए का जो मान है वो कितना आया? 3.0। ये आ गई इसकी नाभि। क्या आ गई बाबू? ये आ गई इसकी नाभि। अच्छा जी सर, सर नाभि के बाद नियता क्या होती है? सर एक्स बराबर माइनस का है, तो नियता कितनी हो गई? माइनस का 3 हो गई। कितने में लाला? माइनस का 3। मुख्य अक्ष बोल नहीं दिया, सी से बोल दिया। नाभि लंब का समीकरण, नाभि लंब का समीकरण बेटा क्या होता है? एक्स बराबर ए। बाबू क्या होता है? नाभि लंब का समीकरण। मैं लिख देता हूं नाभि लंब का समीकरण, नाभि लंब का समीकरण है बाबू। अक्ष तो ऐसा कैसा? ए का मान कितना है लाला? 3 आया। कितना है बेटा? 3 आया। सर नाभि लंब की लंबाई, ये वाला पॉइंट बाबू इंपॉर्टेंट है। सर नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है? 4a। बाबू 4 तो ऐसा कैसा? a का मान कितना है? 3 है, तो कितना आया? 12। इसका शॉर्टकट तो क्या है? सर इसका शॉर्टकट ये है सिंगल पावर, सिंगल पावर वाले का कोएफिशिएंट, सिंगल पावर वाले का कोएफिशिएंट। सर सिंगल पावर का कोएफिशिएंट कितना है? 3। लंबाई हमेशा पॉजिटिव आती है। अब बात करता हूं इस पैराबोला की। सर ये कहां खुल रहा है? सर नेगेटिव अक्ष पे। तो बाबू अगर मैं बात करूं अक्ष की तो अक्ष क्या होगी? सर वही होगी, अक्ष अक्ष पे खुल रहा है। अक्ष की बात करूं अक्ष तो सेम रहेगी। सर अक्ष अक्ष पे यानी कि वाई का मान 0। मैं बात करूं बाबू किसकी? शीर्ष की, तो शीर्ष कितना? शीर्ष भी सर 0.0। मैं बात करूंगा नाभि की, इस बार नाभि बेटा कहां होगी? सर ए तो होगा लेकिन कैसे होगा? माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि सर वो इस बार नाभि कहां खुलेगी? यहां पे खुलेगी। तो सर ए का जो मान है निकालते हैं, ए का मान निकालते बेटा। ए का मान निकालने के लिए सर जो भी सिंगल पावर है उसके कोएफिशिएंट 4 का डिवाइड करते हैं, तो ए का मान कितना गया? 2 आ गया। तो बाबू कितना गया? माइनस का 2 और कोमा
जीरो। नाभि के बाद बाबू नियता कितनी होगी? सर नियता होती है सर कहां? सर इसके नाभि के जस्ट विपरीत, तो सर एक्स बराबर ये हो जाएगी पॉजिटिव। एक्स बराबर नाभि अगर नेगेटिव तो नियता पॉजिटिव, नाभि नेगेटिव नियता पॉजिटिव, तो बाबू एक्स बराबर ए का मान कितना है लाला? दो आया। कितना है बाबू? दो। सर इसके बाद नाभिलंब का समीकरण, किसका बाबू? नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण बाबू, नाभि से होकर जाने वाला नाभिलंब, इसका जो समीकरण होगा बाबू वो क्या होगा? एक्स बराबर ए, लेकिन वो कैसे होगा? माइनस, क्योंकि माइनस वाले एक्स के ऊपर गुजर रहा है, तो बाबू लिख दो एक्स बराबर माइनस का ए, तो एक्स बराबर ए का जो मान है वो कितना लाला? दो है। देखो नाभि नाभिलंब का समीकरण, माइनस का, माइनस का, बात क्लियर ना? चीजों को समझते चलो यार, है ना? नाभिलंब, और बाबू मैं बात करूं नाभिलंब का समीकरण, लंबाई नाभिलंब की, तो सर सिंगल पार वाले का कोएफिशिएंट, सर माइनस का आठ क्या? नहीं प्लस का आठ, क्योंकि लंबाई का जो मान है वो नेगेटिव कभी भी नहीं। बाबू कई बार इसेंट्रिसिटी पूछ लेता है नाभिलंब की, नाभिलंब की नहीं पैराबोला की, परवलय की उत्केंद्रता, क्या बाबू? परवलय की उत्केंद्रता कई बार पूछ लेता है, परवलय की उत्केंद्रता। बाबू मैं बात करूं सर्किल की, सर्किल वाले में मैंने समझाया सर्किल वाले की होती है जीरो, इलिप्स की नेगेटिव, हाइपरबोला की पॉजिटिव। बाबू इस स्लाइड में मैंने दो सवाल समझाए हैं, एक तो पॉजिटिव एक्स भी घूमने वाला, एक नेगेटिव एक्स पे। अब ऐसे ही दो सवाल लेते हैं, ऐसे ही दो सवाल लेते हैं, उनको तैयार करते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद वाई एक्स वाले ले लेंगे। इस वीडियो की आठ सवाल के लिए मैंने बोला था, लेकिन इस वीडियो में चार सवाल करेंगे। बाबू कैसे? क्योंकि वीडियो छह सात मिनट का हो चुका है और ये समझाऊंगा तो 10 मिनट का करीबन हो जाएगा, वीडियो बड़ी बन जाएगी, इसलिए हमने वो पार्ट कन्वर्ट कर दिया सेकंड पार्ट में। बाबू जो वाई एक्स पे खुलेगा परवल, ठीक है, एक्स पे खुलने वाला मैं आज समझा दिया। बाबू देखो सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे, किस एक्स पे खुलेगा? सर एक्स एक्स पे खुलेगा, तो बाबू ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? सर जो भी कोएफिशिएंट दे रखा है उसमें चार का डिवाइड करते हैं, बेटा कितना आ जाएगा? सर पांच बटा दो, ए का मान बाबू कितना आ गया? पांच बटा दो। बाबू अब हर सवाल का आप आंसर देंगे, सर मैं बात करूं मुख्य एक्स, किसकी बेटा? सर मुख्य एक्स, मुख्य एक्स मतलब किस एक्स पे खुल रहा है ये? सर ये खुल रहा है एक्स एक्स पे, किस एक्स पे बाबू? एक्स एक्स पे, यानी कि वाई का मान जीरो होगा। पहला सवाल अपना कंप्लीट। सवाल नंबर दो बाबू, इसका जो शीर्ष होगा बाबू वो कैसे होगा? सर शीर्ष होगा जीरो कोमा जीरो। मैं बात करूं बाबू इसकी नाभि की, यानी कि फोकस की, बाबू फोकस कितनी होगी? सर ए कोमा जीरो, क्यों? ये पॉजिटिव एक्स पे खुल रहा है। बाबू ए का मान मैंने निकाल लिया, कितना लाला? सर पांच बटा दो और कोमा जीरो। नाभि भी आ गई ना, नाभि के बाद क्या निकालेंगे? इसकी नियता। बाबू नियता क्या होती है लाला? सर नियता होती है एक्स बराबर माइनस का ए, नाभि का जस्ट उल्टा साइन, तो बाबू एक्स बराबर ए, ए का मान कितना है? पांच बटा दो। चलो ठीक है, ई की बात करूंगा, ई का मतलब नाभिलंब की समीकरण, नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण है। सर नाभिलंब का समीकरण क्या होता है? सर एक्स बराबर ए, एक्स का मान बाबू एक्स, ए का मान पांच बटे दो। आगे बात करूं नाभिलंब की लंबाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। नाभिलंब की लंबाई बाबू क्या होती है? फोर ए, फोर का मान है जी टीच, ए का मान कितना है? चार, पांच बटे दो, काटो बेटा दो और कितना गया? दस। और मैंने शॉर्ट क्या बताया? सर सिंगल पावर वाले का कोएफिशिएंट, आंसर नाभिलंब। लास्ट सवाल है बाबू, सर वाई स्क्वायर लो जी सर, बेटा पहले तो उसको वन बनाओ, क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब यहां से ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? सर ए का मान निकालने के लिए इसमें चार का डिवाइड करेंगे, बेटा चार का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? सर नौ बटा पांच, कितना आएगा बेटा? नौ बटा पांच। अब बात करेंगे सारे सवालों की, सर मैं बात करूं मुख्य एक्स, बाबू मुख्य एक्स यानी कौन सी एक्स पे बाबू ये? सर सिंगल वाली पावर यानी कि एक्स पे, यानी कि बेटा एक्स एक्स पे है तो वाई का मान जीरो। सवाल नंबर पहला कंप्लीट। मैं बात करूं शीर्ष, बाबू इसका जो शीर्ष है बेटा चाहे एक्स पे हो चाहे वाई पे हो जीरो कोमा जीरो। मैं बात करूंगा इसकी नाभि की, किसकी? इसकी नाभि की, नाभि बेटा क्या होगी? ए कोमा जीरो। बाबू ए का जो मान है लाला कितना है? सर नौ बटा पांच। आज चलो जी सर ठीक है। अब मैं बात करूं इसकी नियता, नियता क्या होगी? नेगेटिव होगी, नाभि अगर पॉजिटिव है तो। लो जी सर एक्स बराबर माइनस का नौ बटा पांच। सर नाभिलंब की समीकरण है, नाभिलंब, नाभिलंब का समीकरण है।
सर ना भी पॉजिटिव है तो समीकरण भी पॉजिटिव, एक्स पे अक्ष में खुलेगा तो एक्स पे आएगा। बाबू एक्स बराबर कितना आएगा, ए का मान कितना है सर 9/5। आगे चलो सर, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई कितनी है सर, सिंगल पावर वाले का कोफिशियंट, तो बेटा कितना जाएगा 36/5 विल बी राइट आंसर। आई होप बाबू इस वीडियो के 4 सवाल आपको समझ में आएंगे। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक सवाल आपकी एयरफोर्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाबू अगर किसी भी सवाल में अगर तकलीफ समस्या अगर आपको रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय हिंद का कमेंट करके आप चले जाना। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।